ये क्लास 7th की साइंस का चैप्टर 4 हीट के कुछ क्वेश्चन है छोटे छोटे से। तो 1 लीटर ऑफ वाटर है जिसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। दूसरा भी 1 लीटर वाटर है जिसका टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस, मतलब दो दो अलग अलग हैं। एक एक लीटर वाटर, एक का 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, दूसरे का 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, दोनों को मिक्स कर दिया गया। तो अब बताओ कितना टेम्परेचर होगा। देखो जब दोनों को मिक्स किया जा रहा था तो जो सबसे कम है उससे तो कम होगा नहीं, और जो सबसे ज़्यादा है उससे ज़्यादा होगा नहीं, तो कहाँ तक होगा? 30 और 50 के बीच में ही कहीं ना कहीं हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयरन की जो बॉल है उस 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर उसका है, इतना गर्म किया गया उसका 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया। उसे पानी का एक मग है, उसका पानी का टेम्परेचर भी 40 डिग्री सेल्सियस है। अब हीट का क्या होगा? हीट में कुछ नहीं होगा क्योंकि दोनों का टेम्परेचर सेम है। नॉट फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर, ना तो आयरन बॉल से वाटर की तरफ हीट जाएगी और ना ही वाटर से आयरन बॉल की तरफ हीट जाएगी। 40 डिग्री सेल्सियस मेंटेन रखेगा तो दोनों ही सेम है, तो फर्क नहीं पड़ेगा, मोमेंट नहीं होगा। ही हीट का मोमेंट तब होता है जब हाई से लो की तरफ भागेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वुडन की स्पून है, वुड की चम्मच है, तो उसे एक कप ऑफ आइसक्रीम में डिप किया गया है, तो दूसरे किनारे पर क्या होगा? कुछ नहीं होगा क्योंकि वो इंसुलेटर है, हीट का मोमेंट नहीं होगा। तो स्टेनलेस स्टील का एक पैन है प्रोवाइडेड विद कॉपर का बॉटम है। क्यों है वह कॉपर का बॉटम? क्योंकि कॉपर एक बेटर कंडक्टर है स्टेनलेस स्टील से, तो जल्दी जल्दी खाना पक जाएगा उसमें, इसलिए है बॉटम पे कॉपर लगाया गया है। स्टेनलेस स्टील से बेटर कंडक्टर कौन है? कॉपर।